सो हेलो गाइस, दिस इज़ वैनिक। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले क्राउच एंड शूट के बारे में। तो अगर जैसे सबको पता है कि पहले क्या होता था, क्राउच हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार क्राउच नहीं होता था, और अब क्या होने हो गया है 1.5 अपडेट के बाद कि जितनी बार भी हम क्राउच बटन पर टैप करेंगे उतनी बार हमारा जो कैरेक्टर है वो क्राउच करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम फास्ट कर सकते हैं क्राउच को। तो आधे से ज़्यादा वीडियो, मतलब पूरे ही वीडियो जो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है वाइट इसके बारे में, क्राउच के बारे में, उनमें यही बताया गया है कि आपको फास्ट फास्ट कैसे करना है और वहाँ पे एम कैसे सुधारना है, ये सब बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट वाला जब बात करने वाले कि हम कंपेरिजन करके देख लेते हैं, और सब डिटेल में बताऊँगा आपको मैं कि जो नॉर्मल क्राउच है, इफेक्टिव क्राउच जिसको बोलते हैं हम, जिगल के साथ हम एक दो बार जो क्राउच करते हैं वो, और जिगल के साथ साथ पूरा क्राउच करते हैं हम वो, मतलब क्राउच ज़्यादा 90% क्राउच करते हैं और 10-20% सिर्फ जिगल करते हैं, वो वाला क्राउच जो कि मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक कुछ चीज़ दिखानी है, आओ। तो अगर जो चीज़ के बारे में बात करना था वो ये, 54% बंदे सारी वीडियोज़ लास्ट तक देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब स्टिल नहीं किया है उन्होंने। ऐसा क्यों ब्रो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मेरे को सपोर्ट मिलता है और मेरे को मोटिवेट होता हूँ मैं, और आपके लिए और भी वीडियोज़ लाऊंगा इसकी वजह से। तो मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया था फ़न के लिए, देखते हैं कितने बंदे, 54% निकल गया, मैं शॉक हो गया। तो आई होप अभी आप सब्सक्राइब करने वाले हो इस वीडियो को देखते देखते, तो अभी सब्सक्राइब और घंटे को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। सॉरी फॉर द बिग इंट्रो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, क्राउच में सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि फास्ट क्राउच करना, जिसको मैं बोलता हूँ उठक बैठक। तो उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक, अगर आपको ये जो सीन है पसंद आया, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका एनिमी पर्सपेक्टिव व्यू कैसे दिखता है, मतलब आप अगर आप जिगल के साथ साथ ये फास्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ये ऐसा आप करते हो तो एनिमी पर्सपेक्टिव से कैसे दिखता है वो पहले जान लो, और उससे एम में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी जान लो, ताकि आपको इसको मास्टर करने में आसानी हो। इसको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा जो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एनिमी पर्सपेक्टिव व्यू। तो आ जाओ, तो गाइस जैसे आपने देखा कि एनिमी पर्सपेक्टिव से कैसे दिख रहा है। तो अब बात, अगर आपको ये स्टिल पसंद आ चुका है, मतलब आपको चाहिए, आपको ये करना है, सिर्फ आपको एम का चिंता है कि एम कैसे सुधारूँ, इससे एम चोक होता है यहाँ पे, तो कैसे चोक होता है इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप क्या करने वाले हो, क्राउच करने वाले हो, क्राउच करने से एम डाउन आता है, वो भी फास्ट 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 क्राउच करने वाले हो जिगल के साथ साथ, तो वहाँ पे चोक बहुत सारे होने वाले, और सामने वाले के जिगल और सामने वाले का जो मूवमेंट है उसको भी ट्रेस करना है, तो वहाँ पे चोक ही चोक होने वाले। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अगर मास्टर करना है, मतलब इसका जो एम है इसको आपको सुधारना है, आपका जो एम है वो ऐसी मूवमेंट देते समय आपको सुधारना है, तो आपके लिए एक ड्रिल है वो मैं आपको बताता हूँ जो आपके आपको करनी है। तो अगर ड्रिल ऐसी है कि आपको मूवमेंट स्पीड फुल कर देनी है, टारगेट ऑल रखना है, लेवल थ्री कर देना है, और 20 मीटर का टारगेट सिर्फ सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा वाला नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा करना है, आपको ट्रेस भी करना है, क्राउच भी बार बार क्राउच भी करना है, और कंट्रोल भी करना है एम को, क्योंकि सामने वाला हमने सामने वाले की बॉडी सिलेक्ट की है तो वहाँ पर आसान हो सकता है, लेकिन जब आप हेड सेलेक्ट करने वाले हो तो वहाँ पर पूरी तरह से फटने वाली है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये, क्योंकि एम बहुत ज़्यादा हिलने वाला है। आप देख सकते हो एम बहुत ज़्यादा हिलता है, तो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, और कंट्रोल करना आप सीखेंगे धीरे धीरे जैसे आप इस ड्रिल को परफॉर्म करेंगे। तो आप, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि क्या क्या करना है, मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको मैंने दिखाया, एम में क्या क्या चोक होते हैं, क्या क्या एम खराब कैसे होता है, कि एम में डिसएडवांटेज कैसे होते हैं, उसको एडवांटेज कैसे बनाना है, ये ड्रिल करके उसको एडवांटेज बना सकते हो। तो यार गाइस, आई होप कि आपको इस तरह का जो मैं अभी जो कंटेंट बता रहा हूँ वो आपको पसंद आ गया हो, इतना वीडियो आपको पसंद आ चुका है, लाइक कर देना इस वीडियो को अभी तक नहीं किया है स्टिल, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ देख रहे हो तो 53% में अगर आप आते हो तो आपको वहाँ पे नहीं आना है, आपको नीचे वाले परसेंट में आना है, तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब। तो अगर जब आपको लगे कि मेरा एम कंफर्टेबल है, इससे सामने वाले की जो बॉडी है, जो टारगेट है, वो उसको मैं 1-2-10 बुलेट में, जो पहले 10 बुलेट है उसमें मैं गिरा पा रहा हूँ, तो आप हेड पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप डायरेक्टली हेड पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा फटने वाली, आप क्राउच करना ही भूल जाओगे, तो आपको डायरेक्टली हेड पे नहीं जाना है, आपको टोटल बॉडी पे जाना है, देन आपको हेड पे मूव करना है। अब बात करते हैं नॉर्मल जिगल, जो इफेक्टिव जिगल मैं बोलता हूँ उसको, जिगल के साथ साथ 1-2 बार आप जिगल क्राउच कर सकते हो, 1-2 बार जिगल के साथ साथ, उससे एम डाउन, मतलब उसमें भी एम खराबी आती है, उसमें भी डिसएडवांटेज पड़ता है, एम बहुत ज़्यादा डाउन आता है इसके कंपैरेटिव में। तो हम पहले कंपैरिजन देख लेते हैं, आ जाओ।
तो अगर गाइस एम कंपैरिजन में आ चुके हैं हम, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं हाथ से या फिर गायरों से कंट्रोल कर रहा हूँ, एम स्टेबल दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने फ़ोन फ्लोर पे नीचे रख दिया है ताकि आपको पता चले कि कैसे एम में डिफरेंस आता है। तो नॉर्मल जब भी आप जिगल देते थे हम एक से दो बार करोगे तो एम आपका इतना नीचे आता है क्राउच करते समय, तो आपको यहाँ पे मास्टर कर लेना है कि एम आपको एक जगह पे रखना है। और जब भी आप फास्ट क्राउच करोगे तो ऐसा आएगा आपका एम, तो इससे आपको पता चलता है कि फास्ट क्राउच जब आप करोगे तो वो ज़्यादा एक जगह पे रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं फिर से रिवाइंड करके। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप एक से दो बार करोगे तो डाउन आता है, और लगातार करते हो उठक बटक तो वहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस नज़र आता है। तो अगर जो मैंने अभी बताया उसका मतलब क्या है कि जब भी आप हेड पे टारगेट करोगे तो वो अगर आप एक से दो बार करते हो क्राउच तो एम डाउन ज़्यादा होगा, अगर आप लगातार करते हो क्राउच तो वो एम डाउन ज़्यादा नहीं होगा, जैसे मैंने अभी प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है। तो गाइस अब बात करते हैं नॉर्मल क्राउच। नॉर्मल क्राउच में आपका जो मूवमेंट जो एनिमी परस्पेक्टिव का रहने वाला है वो अभी दिखाता हूँ, तो वो देख लीजिए पहले। तो अगर जैसा आपने एनिमी पर्सपेक्टिव को व्यू देखा तो वहाँ पे भी आपको सामने वाले को मारने के लिए मुश्किल होने वाले है, क्योंकि अगर आपका एम हेड पे तो वो क्राउच करेगा, तो उससे आपका एम अच्छा होना चाहिए तभी आप उसको मार पाओगे। तो अब बात करते हैं कि एम में क्या क्या चेंजेस आने वाले अगर आप नॉर्मल क्राउच करते हो। तो जैसे मैंने पहले दिखाया, अगर आप हेड के बारे में बात करते हो तो अगर आप फास्ट फास्ट जिगल करते हो तो आपका एम हद तक काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा हेड पे, लेकिन अगर आप एक दो बार ही क्राउच करते हो तो क्या होने वाला है वहाँ पे, जब भी आप क्राउच करोगे तो वो हेड से छाती तक आ जाएगा, मतलब जो गले तक आ जाएगा, मतलब वहाँ पे एम चोक बहुत ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू फास्ट जिगल, जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाया। तो आपको मास्टर क्या कर लेना है, आपको इसमें मास्टरी किस चीज़ की करनी है। अगर आप एक दो बार क्राउच का यूज़ करते हो तो वहाँ पे एम डाउन जो होता है वो आपको कंट्रोल करना है गायरों से। तो वो कैसे कंट्रोल करना है वो आपको बताता हूँ। तो अगर गायरों से आपको कैसे कंट्रोल करना है, मान लेना वो हेड है, तो आपको देखा, आप देख सकते हैं जो क्रॉसर है वो हेड के अराउंड ही है, वो अगर मैं क्राउच भी करता हूँ तो वो छाती पे नहीं आ रहा है, तो वो वहीं पे टिका हुआ है। तो आपको ऐसे गायरों से कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब जब भी आप जिगल दोगे तो सामने वाले के मूवमेंट के साथ साथ उसके हेड पे जब भी आप क्राउच करोगे तो वो जो क्रॉसर है वो हेड पे ही रहना चाहिए। उसके आपको प्रैक्टिस कर देने थे, उसके ड्रिल के बारे में बात करते हैं, तो आ जाओ। तो अगर जिसमें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आना है। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आने के बाद आपको सिर्फ 20 मीटर का टारगेट सिलेक्ट कर लेना है, 10 राउंड्स कर देना है, मूवमेंट स्पीड 0 ही रखना है, लेवल 3 एंड हेड सिलेक्ट कर लेना है इफेक्टिव पार्ट्स। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ हेड मारना है और आपको जिगल देते देते एक से दो बार क्राउच करना है। उससे क्या होगा, जब भी आपका क्राउच करने से एम डाउन आएगा तो आपको वो गायरों से या फिर आप अगर नॉन गायरों तो थंब से आपको वो कंट्रोल करना है। इसकी प्रैक्टिस करते करते आपका ऐसा मूवमेंट आ जाएगा जहाँ पे आप जिगल दे रहे हो या फिर क्राउच दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपका एम एक ही जगह पे, वो क्राउच करने से एम डाउन नहीं हो रहा है। तो गाइज़ आई होप कि आप यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक स्टिल देख रहे हो, तो खतरनाक कर देना टाइप कमेंट में, शेयर विद योर फ्रेंड जिनको इसकी ज़रूरत है, और लाइक कर देना इस वीडियो को क्योंकि यहाँ तक देखा है मतलब आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को और घंटे का बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बब्बा।